विषय है जिसका नाम है वचन। ठीक है, पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको लिंग पढ़ाया था, अब हम करेंगे कि वचन क्या होता है। लिंग में हमने क्या देखा था, जिससे हमें पुरुष जाति का या स्त्री जाति का पता चलता है। ठीक है, और वचन में हमें क्या पता चलता है कि वस्तुओं की संख्या का पता चलता है, कि वस्तु एक है या एक से ज्यादा है। ये सब चीजें जो है ना वचन में। शब्द के जिस रूप किसी प्राणी वस्तु या स्थान के एक या एक से अधिक होने का पता चलता है, तो शब्द के जिस रूप से अर्थात जिस शब्द से हमें ये पता चले कि कोई प्राणी, कोई वस्तु या कोई स्थान या किसी व्यक्ति का नाम या ठीक है कितने भी व्यक्ति हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वस्तुएं हैं, जो भी चीजें हैं, अगर हमें उस शब्द से ये पता चलता है कि वो वस्तु एक है, वो प्राणी एक है या एक से ज्यादा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वचन। ठीक है, वचन के कितने भेद होते हैं, जैसे लिंग के दो भेद हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वैसे ही वचन के भी दो भेद। पहला होता है एकवचन और दूसरा होता है बहुवचन। एकवचन अर्थात एक वस्तु, बहुवचन अर्थात एक से ज्यादा, बहु मतलब बहुत। एकवचन क्या होता है, शब्द के जिस रूप से एक होने का बोध, एक वचन है तो वस्तु एक ही होगी, शब्द के जिस रूप से एक होने का वस्तु या प्राणी की एक होने का बोध हो वह होगा एक वचन। दूसरा बहुवचन, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का पता चले, प्राणियों का पता चले, उसका बोध हो होता है बहुवचन। इसके बाद हम देखते हैं कि वचन में परिवर्तन कैसे किया जाए। ठीक है, कि एक वचन से उसे बहुवचन कैसे बनाया जाए। सबसे पहले देखिए, जब पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ लगा हो तो हम उसे बहुवचन में बदलते समय क्या लगाएंगे, के लगाएंगे। जैसे देखो लड़का लड़की, माँ को हटाकर हम क्या लगा देंगे, के। बूढ़ा बूढ़ी। ठीक है, उसके बाद अगर स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ लगा हो तो उसमें हम क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे। लेकिन हम आ को हटाकर ये नहीं लगाएंगे, हम आ भी रखेंगे और ए अलग से लगाएंगे, जैसे बाला बालाएं, छात्रा छात्र। उसके बाद जब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ लगा, इसके अंदर हम क्या लगाएंगे, जैसे नाव, क्या बन जाएगा, नावे, पुस्तक पुस्तक। फिर आपका जब स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई लगा है या बड़ी ई लगा है तो हम क्या कर देंगे, हम इसे क्रिया कर देंगे। जैसे देखो जाति जातियां, नारी नाम। फिर स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अगर या लगा हो तो हम या की जगह क्या लगाएंगे, या चंद्रबिंदु लगा देंगे। तो चिड़िया चिड़िया, गुड़िया गुड़िया। ठीक है, ये सब जो है आपके वचन के बदलने के नियम। कभी कभी बहुवचन बनाने के लिए जन या गण भी लगाया जाता है। जैसे देखो गुरु गुरुजन, अध्यापक अध्यापक गण। ठीक है, छात्र छात्र गण। इस तरह से जो है हम जन गण या वृद्ध लगा कर भी वचन को एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं। इसके बाद बहुवचन शब्दों का प्रयोग हम आदर दिखाने के लिए भी, हमेशा जो है किसी को हम सम्मान देते हैं तो हमेशा जो है हमें बहुवचन के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। महाराज जी पधार रहे हैं, यहाँ पर देखो महाराज माने कि एक है, लेकिन हमने क्या लिखा है वाक्य में, पधार रहे हैं। रहे हैं मतलब बहुवचन हो गया। हमने क्यों यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया, क्योंकि हमने महाराज जी को सम्मान दिया, हमने उनके लिए आदर पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया। तो जब भी हम अपने से बड़ों के लिए सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वहां पर हम बहुवचन का प्रयोग। जैसे देखो दादाजी आए हैं, यहाँ पर देखिए है जो होता है ना, अगर है पर बिंदी है उसका मतलब है वो बहुवचन है। ठीक है, तो यहाँ पर
समूह में, ठीक है। उसके बाद है कुछ शब्द अनेक की संख्या का बोध है, किंतु समूह में होने के कारण हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। ये तो हो गया जनता भी और सेना। जैसे देखो यहाँ पर देखिए, नेताजी भीड़ का सामना नहीं कर सके। अब नेताजी भीड़ का सामना नहीं कर सके, भीड़ यहाँ पर एक वचन के रूप में प्रयोग होगा। जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। देखो जनता है तो बहुवचन ना, लेकिन एक वचन में प्रयोग हुआ है करेगी, ठीक है। वो जहाँ पर भी ऐसे शब्द हैं जो बहुवचन के हो, लेकिन समूह में प्रयोग किए जाते हैं, वहां पर एक वचन का प्रयोग होता है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, वो एक वचन में नहीं होते हैं। जैसे देखो दिवाकर के होश उड़ गए, तो ये होश शब्द है, ये हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होता है। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े, तो जो ये आंसू शब्द है ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, एक वचन में नहीं होता, चाहे एक व्यक्ति हो रहा हो चाहे अनेक। उस सैनिक ने मेरे प्राण बचाए, जो ये प्राण शब्द है ये भी आपका हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो ये जो है कुछ नियम है जो हम जिनका प्रयोग करके हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक वचन से बहुवचन बनाते समय कैसे कैसे बनते हैं शब्द। देखो जैसे मुर्गा मुर्गी, एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ। सुबारा गुबा, यहाँ पर भी एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ, ठीक है। चीता चीते, यहाँ पर भी एक ही मात्रा, लेकिन यहाँ सभी ने देखिए आका डंडा लगा हुआ है, लेकिन जब हमने इनका बहुवचन बनाया तो सबने जो है वो एक ही हो गए। आगे देखिए जैसे देखो छात्रा छात्राएं, आका डंडा था स्त्रीलिंग का, यहाँ पर ए लग गया, ठीक है। ऐसे ही की कीले, कलम कलम में, चादर चादर, चादर तो जुड़े है, एक ही मात्रा लगाने से सभी जो एक वचन बन गए, बदल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक वचन का जो ये पूरा विषय है कि कैसे जो है हम एक वचन को बहुवचन में बदल सकते हैं, हमें कौन कौन से नियमों का ध्यान रखना है, कि हमें आ को हटाकर ए करना है या ई है तो ईया बनाना है,